Assalamu Alaikum dear students I am Muhammad Ali and this is English lecture 4 Students today we will read the remaining portion of play 1 the heat lightning Please open your book from this page Here the first dialogue is of man he says to the girl And you came straight here then To phir aap Sidi yahan par chali हेयर यू कैन फाइंड द वर्ड स्टेट जिससे मतलब है सीधा एंड इट्स इनम्स आर डायरेक्ट अनकर्विंग द गर्ल रिप्लाइज येस येस ओ ही स्टिल ऑट देर समवेयर ही विल बी हेयर ओ गोड आई नो ही विल हाँ हाँ वो बाहिर है किसी जगह और वह जल्द ही यहाँ आ जाएगा ओ खुदाया मैं जानती हूँ वो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट यू रिमेंबर लास्ट टाइम वी हैव

इट्स योर ड्यूटी ये आपका फर्ज है दिस इज अटफुल थिंग ये बड़ी खौफनाक बात है Deadful, ये जानती हूं लेकिन मैं उन्हें बता क्या सकती थी मतलब लड़की ये कहती है कि मैं पुलिस को क्या बता सकती थी टेल दट यू टोल्ड मी जस्ट नो उन्हें भी इसी तरह से बता देना जैसे भी आपने मुझे बताया दैट वुडेंट बी अनव लड़की ये कहती है कि ऐसा काफ़ी नहीं होगा दे वुड वॉन्ट मी टू डिस्क्राइब हिम वो मुझसे ये चाहेंगे कि मैं उसे बयान करूँ मे बी आइडेंटिफाई हिम और शायद ये भी चाहें कि मैं उसकी शिनाख्त करूँ आई कुडेंट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी आई जस्टेंट मैं ऐसा नहीं कर सकती थी एट द वर्ड इज डिस्क्राइब

रहनुमाई करने वाली चीज हिंट टेप इंडिकेशन पॉइंटर आर एट सिमिलर वर्ड्स नेक्स्ट डायलॉग आई डोंट इवन नो वेट ही लुक लाइक लड़की ये कहती है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो आदमी कैसा नजर आता था आई कूडेंट सी हिम वेरी वेल मैं उसे अच्छे तरीके से नहीं देख सकी आई वॉज सो फ्राइटेंट मैं बहुत ज्यादा खौफजदा थी मैं नेवर फिर भी यू हैव गोट टू गो टू दुलिस फिर भी आपको पुलिस के पास जाना चाहिए हेयर द वर्ड्स एंड इट्स इनम्स आर नंद रेगॉर्ड गर्ल आई डोंट नो आई मुझे नहीं पता मैन दे दिल आस्क यू अट ऑफ क्वेश्चन ऑफकोर्स बेशक वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते बट आई एम श्योर यू कैन आंसर मोस्ट ऑफ दैम लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उनमें से ज़्यादातर के जवाब दे सकती थी आफ्टर यू टेल दम द स्टोरी द वे यू टोल्ड इट टू मी उन्हें इस तरह से कहानी बताकर जैसे आपने मुझे बताई देर विल बी रूटीन क्वेश्चन रूटीन के सवाल होते मामूल के सवाल होते बैठ दे विल बी सिंपल लेकिन वो सादा सवाल होते दे प्रस यू समथिंग शायद वो कुछ आपसे ये पूछते वॉज ही वेयरिंग अ हैड क्या वो आदमी हेड पहने हुए था हाउ वॉज ई ड्रेस और इसके कपड़े कैसे थे प्रोबेबली शायद इट्स इन आर लाइकली मे बी नेक्स्ट डायलॉग गर्ल आई डोंट इवन नो दैट मुझे तो ये भी नहीं पता और वो ऑज इट ऑल या फिर ऐसे सवाल करते क्या वो आदमी लंबे कद का था वो ऑज ई शॉर्ट क्या छोटे कद का था हाउ वो डिस्क्राइब हिम जर्नली या आम एतबार से आप उसे कैसा बयान करेंगी जर्नली आमतौर पर इन जर्नल approximately, broadly. गर्ल आई डोंट नो आई swear. मैं कसम खाती हूं कि मुझे नहीं पता आई जस्ट डोंट नो मुझे नहीं पता स्वियर कसम खाना मेक प्रोमिस मैन इन द लाइटनिंग बिजली की चमक में आर यू श्योर यू डिडेंट सी his फेस एट ऑल क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उसका चेहरा नहीं देखा गर्ल आई डोंट रिमेंबर मुझे याद नहीं मे बी ही वॉज वेरिंग अ हैड शायद वो हैड पहने हुए था आर समिंग या कोई ऐसी चीज आई डोंट रिमेंबर सींग हिज फेस लेकिन मुझे उसका चेहरा देखना याद नहीं हेयर द वर्ड इज रिमेंबर याद करना रिकॉल रिकलेट थिंक ऑफ आर इट्स इनो निम्स मैन बेट यू सा गर्ल लेकिन तुमने लड़की को तो देखा नो no, एडिटेड नहीं मैंने नहीं देखा बेट यू सेड हर हेयर वॉज लाइट लेकिन तुमने कहा कि उसके बाल हल्के थे एंड यू सा हर हैंड और तुमने उस लड़की का हाथ देखा था यस आई डिट हाँ मैंने कहा इन द लाइटनिंग आई थिंक येस बिजली की चमक में मेरा ख्याल है हाँ बेट यू डोंट रिमेंबर सिंग हिम लेकिन आदमी कहता है फिर भी आपको ये याद नहीं कि आपने उस आदमी को भी देखा था नो आई डोंट नहीं मुझे याद नहीं शीबिग इन सोबिंग वो रोने लगती है तो आदमी कहता है आई एम सॉरी मुझे अफसोस है आई शुडेंट बी गोइंग ऑन लाइक दिस मुझे इस तरह से बात नहीं जारी रखनी चाहिए थी यू आर मच टू अपसेट टू इवन थिंक एनी मोर अबाउट इट आप इतनी परेशान है कि इस बारे में मजीद नहीं सोच सकती डोंट वरी अबाउट इट एनी मोर आप परेशान मत होइए समथिंग विल कम टू यू लेटर बाद में आपको कुछ याद आ जाएगा दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट राइट नाउ जिस चीज को अभी आप भूल गई हैं यू विल सी आप देख लीजिएगा गर्ल है शायद योर फ्लैश लाइट शायद आपकी लाइट फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पर यू कुड आइडेंटिफाई दैट आप उसे तो पहचान सकती थी कूडेंट यू क्या आप नहीं पहचान सकती फॉर इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल देयर यू सी नो लुक पॉइंट टू वीमेंस रूम गो इन देयर एंड ड्राई योर आइज एंड फिकोअर सेल्फ फील मच बेटर अब आदमी इस लड़की से कहता है कि आप इस कमरे में चले जाइए जिसके ऊपर लिखा हुआ है फॉर वेमेन और वहां जाकर अपना खुलिया ठीक कर लें फिक्सअप मेक गुड खुद को ठीक करना मेक अप कंपनसेट मतलब जैसे तलाफी करना किसी खराब चीज को ठीक करना गर्ल यू विल यू आप छोड़ तो नहीं जाएंगे क्या आप चले जाएंगे कोर्स नॉट नहीं माइ डियर आई विल बी राइट हेयर मैं यहां पर ही रुकूंगा She moves toward the door up मूव वो उस कमरे में चली जाती है There is a brilliant flash of lightning, एक दफा फिर से बिजली चमकती है the light begins to dim, रोशनी मध्यम होने लगती है the girl looks toward the center door, लड़की दरमियान वाले दरवाजे की तरफ देखती है There is a second flash of lightning, बिजली की एक और चमक आती है Illuminating the center door, जो दरमियान वाले दरवाजे को रोशन कर देती है Illuminate रोशन करना ब्राइटन शाइन ऑन up. द गर्ल स्क्रीम्स लड़की चीखती है इन द फ्लैश ऑफ लाइटिंग एंड can बी सीन एक आदमी का चेहरा देखा जा सकता है प्रेस अगेंस्ट द outside द डोर जो दरवाजे के बाहर से शीशे से चिपका होता है द डोर रेटल्स वाइसिस दरवाज़ा बुरी तरह से आवाज देता है द लाइट इन द almost डिम डॉट और कमरे की रोशनी मदम पड़ जाती है जब लड़की दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां उसे एक आदमी का चेहरा नज़र आता है और ये वो दूसरा करैक्टर है सेकंड मैन जो अब इस खेल में आ जाता है इस हिस्से में जो मुश्किल वर्ड्स हैं उनमें एक वर्ड है रेटर आवाज़ का पैदा होना क्लैटर जेंगल क्लैंग बैंग ये इसके सिनोनिम्स हैं एक और वर्ड है वाइसियसली वायलेंटली सेवसली विकेटली मतलब बुरे तरीके से बहुत ज़्यादा शोर के साथ अब आदमी का डायलॉग है पुशिंग हर टू वर्ड विमेन रूम लड़की को जल्दी से कमरे में भेज देने के बाद वो कहता है गेट इन स्टे अंटेल आई टेल यू टू कम आउट लड़की से कहता है कि तुम अंदर ही रहना और उस वक्त तक ही वहां रहना जब तक मैं तुम्हें आने के लिए नहीं कहता द मैन पुशी इन टू द रूम क्विकली सेकिन मैन आउट साइड द डोर मोर दूसरा आदमी जो दरवाजे से बाहर खड़ा है एक दफा फिर दरवाजा खटखटाता है और ये कहता है लेट मी इन मुझे अंदर आने दें ओपन दिस डोर इस दरवाजे को खोलिए लेट मी इन और मुझे अंदर आने दें मैन वर्ट डू यू वॉन्ट आप क्या चाहते हैं ये पहला आदमी उस आदमी से सवाल करता है एंड द सेकेंड मैन सेज आउटसाइड आई वॉन्ट टू गेट ऑफ दिस स्टॉम थिंक आई वॉन्ट वट द आइडिया ऑफ लॉकिंग दिस डोर यू थिंक यू ऑन दिस प्लेस The man goes to the door slowly, throws back the bolt, and the second man enters quickly. He is a nondescript sort of person, tall, nice looking, and about 30 years of age. He looks about the room as he enters. You have got no right to lock that door. Keeping people outside in this kind of weather. The second man moves up to the schedule on the wall. Has there been a buzz? वो आदमी दूसरा आदमी जवाब में ये कहता है मैं इस तूफान से बचना चाहता हूँ आप आपको ये दरवाज़ा बंद करने का ख्याल क्यों आया आप इस जगह के मालिक नहीं हैं तो उसके बाद दूसरा आदमी जो है वो स्टेज पर दाखिल हो जाता है ये लंबे कद वाला आदमी है खूबसूरत नज़र आता है और अपनी उम्र में तकरीबन तीस साल का है और आकर ये सवाल करता है कि क्या अभी कोई बस आ रही है देन द फर्स्ट मैन रिप्लाइज टू हिम नो नॉट येट लेट ओ गुड नहीं अभी नहीं तो दूसरा आदमी इस पर खुदा का शुक्र अदा करता है तो पहला आदमी सवाल करता है वाई क्यों वाई आई वुड मैं इसे मिस कर देता अगर ये बस पर आती। वी आई क्या मैं ना कर देता यस ऑफकोर्स टू पिट ऑफ मी हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता मैं कितना बेवकूफ हूं कि मुझे ये तुम्हारी बात समझ नहीं आई देयर इज समर इज एंट देयर दूसरा आदमी आकर यह सवाल करता है कि कोई और भी यहां पर है वर्ड डू यू मीन क्या मतलब है आई एल्स आई लिव डेन मैंने किसी और को भी देखा जब मैंने अंदर झांका था सेकेंड मैन द गर्ल वज इट एक लड़की नहीं थी द टू मैन लुक एट अदर अ मोमेंट देन द द फर्स्ट मैन वॉक्स टू डोर देर द गर्ल हैज गॉन एंड नॉक्स ऑन इट द डोर ओपन स्लोली एंड द गर्ल एंटर्स वेन शी सीज अदर मैन स्टैंडिंग इन द रूम She starts to cry out, but the man puts his finger to his lip, conveying silence to her, and then guides her downstairs to the bench. Here, the first man tries to hide the presence of the girl, but the second man says to the first man that he had already seen the girl from the pane of the door. Then, the first man asks the girl to come out. नॉन दिस थ्री करेक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेज दैन द सेकेंड मैन सेज आई थॉट यू सेड मेरे ख्याल में आपने कहा पिछली लाइन्स में ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे स्टूपेड एंड इट्स इनम्स आर फुली अन इंटेलिजेंट डेंस एंड देन वी है वर्ड कन्वे कन्वे मुंतकिल करना दूसरों तक पहुँचाना एंड इट्सर वर्ड्स आर ट्रांसमेट पास ऑन डिसक्लोज रिवील I thought you said I didn't say anything. You tried to tell me there was no one else here. I thought there was. Did you? Yeah, I was sure there was. What was the idea of lying? I wasn't conscious of lying about anything. ये पहले करेक्टर में पहले आदमी और दूसरे आदमी में ये तकरार चल रही होती है वो ये कहता है कि मैंने तो ये ये नहीं कहा कि यहाँ कोई नहीं है तो वो कहता है कि आपने ये कहा था और आपको ये झूठ बोलने का ख्याल क्यों आया वर्ड इज कॉन्शियस सेंसिवल अवेयर अलर्ट नोइंगे इसके सिनोने सेन या आई गैस आई एमैजनिंग थिंग्स ओ वेल फॉरगेटेड हाउफ आर यू गोइंग दूसरा आदमियों से यह सवाल करता है कि आप मुझे ये बताइए कि आप कहाँ तक जा रहे हैं यहां एक वर्ड है गेस मीन्स पोज इमेजन सस्प्रेड एंड थिंग दीज आर इट सिनोनेम

कि ये वो आदमी हो सकता है जो इसका पीछा कर रहा था मैन यस आई स्पोर्स माइट बी सो सेकेंड मैन इट्स प्री लेट इज इंट एड इसमें काफी देर हो गई है मेरे ख्याल में आई वॉज इन लर्क डोंट यू थिंक आई टोल्ड दैट टू आर फ्रेंड हेयर बट ही हीट गेट इट मैंने अपने इस दोस्त को भी ये बात बताई लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आई टू फर्स्ट मैन आलबेट शीज मॉटेड यू आर लेकिन मैं ये शर्ट लगाती हूँ कि ये आपसे ज्यादा जहीन है हियर द वर्ड इज पेटी एंड इट्स इन आर रादर फियरली कंपेरिटिवलीन द वर्ड इज बेट एंड इट्स इन आर प्रिडेड बी श्योर स्टेड कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉटर एंड इट्स इनो आर क्लेबर ब्राइटर शार्पर मैन येस आई सपोज शी माइट बी सपोज And its synonyms are assume, presume, expect, and imagine. Second man, noticing the girl's nervousness, say you look pretty nervous about something, storm upsets your plan. You can expect storms to slow up buses. If people were smart, they wouldn't be out on a night like this. Just try to get somewhere when it's storm. Can't be done, especially if you are in a hurry. So Dushra Admi Ladki say parasha nazarati hai. आप बताइए कि आप क्या क्यों परेशान हैं तूफान या बारिश आपके प्लान को खराब कर देती है और अगर आप समझदार हों तो ऐसे मौसम में बाहर ना निकलें इन लाइंस में इंपॉर्टेंट वर्ड हैं नर्वसनेस एंड इट्स इन आर एंगजाइटी फियर्स अनिजीनेस वरी द नेक्स्ट वर्ड इज नर्वस टेंस एंगजियस वर्ड इज एक्सपेक्ट थिंक नेक्स्ट वर्ड इज स्म क्लेवर ब्राइट इंटेलिजेंट एंड शार्प नेक्स्ट वर्ड इज टॉम तूफान गेल होरिकेन टोरेंट एंड टेम्पेस गर्ल आई एम आई एम इन नो पर्टिकुलर हरी मैं किसी खास जल्दी में नहीं हूं पर्टिकुलर स्पेशल पिक्यूलियर नॉट एबल सेकेंड मैन वेल आई एम श्योर एज हेल एम श्योर इज हेल्थ मीन श्योरली डेफिनेटली सर्टनली रियली यकीन वे देयर आई कैन डू अबाउट इट आई गैस लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता देर अदर फ्लैश ऑफ लाइटनिंग बिजली की एक और चमक आती है एंड द लाइट डे वेरी लो अगेन और एक दफा से फिर रोशनी बहुत मद्दम हो जाती है द गर्ल इज पर्स अगेंस्ट द राइट विंडो इन फियर लड़की खिड़की की तरफ चली जाती है द लाइट रिकवर्स और रोशनी बहाल हो जाती है सेकंड मैन से यू आर रियली अपसेट अब वाकई में परेशान है आर नॉट यू हैज समी बींग बॉदरिंग यू क्या कोई आपको परेशान कर रहा है द सेकंड मैन मूव टू वर्ड हर अगेन और दूसरा आदमी दोबारा उसकी तरफ चला जाता है वर्ड इज बॉर्डर इट मीनस परेशान करना अपसेट इिटेट एनॉय हैरस स्टूडेंट आज हमने यहाँ तक कि इस लेसन को पढ़ना है इस प्ले को इन बाकी जो हिस्सा रह गया है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग रीडिंग ऑफ द प्ले वी विल आल्सो डू द एक्सरसाइज ऑफ द प्ले आज आपके लिए असाइनमेंट है उसी टाइप की कि आपने इस हिस्से को जो आज हमने पढ़ा है उसे आपने अच्छे तरीके से देखना है और फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं एंड दी शॉर्ट क्वेश्चन आर How did the second man look? What was the response of the girl toward the second man? The students, till the next lecture, goodbye, Allah Hafiz.